कौन है? पता नहीं, बोल ही नहीं रहा। खैर चलो, रेडी? तुम्हें लग रहा है मैं रेडी हूँ? खुदा का वास्ता माही, कितना मेकअप करोगी? और जब तुम्हारी बीवी को तुम थिएटर ले जा रहे होगे ना, तब मैं पूछूंगी। वो तो ऐसे ही चल पड़ा करेगी मेरे साथ, तुम देखना। या राइट। अच्छा, गिव मी 5 मिनट्स। हाँ, टेक इट। तुमने इतनी स्नो कभी देखी है? मैं यही रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, तो तुमने सर बीफ फ्रीजर। माही चलो। हेलो। हाय। हाय। मैंने सोचा जवाद को भी इनवाइट कर लिया जाए, अच्छी कंपनी देगा, ही लाइक्स मूवीज एज वेल। तो ऐसा करो, तुम दोनों चले जाओ। लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हें कंपनी देने के लिए जा रही थी, अब जवाद से बेहतर कंपनी तो नहीं दे सकती। जिनिया, माही को तो कंपनी मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे कंपनी कौन देगा? एग्जैक्टली, एंड नाउ इट्स टू लेट। चले, हम वैसे ही बहुत लेट हो गए। चलो चलो। ओके, दिस इज सो एक्साइटिंग। कौन सी मूवी देखें फिर? कोई भी देख लो यार, बस हीरोइन हसीन होनी चाहिए। भाई ये हरकतें यार करोगी ना, तो लॉकअप में बैठ के फिल्म देखना पड़ेगा। जिनिया आप बताएं। भाई तुम जो देखना चाहो मैं वही देख लूंगी, आई डोंट माइंड। मैं हूं ना, देख ले सुष्मिता की है। इसने 3 घंटे का सर का दर्द। अच्छा, लेट मी पे फॉर द टिकट्स। या अरे नहीं, इसको लाने का क्या फायदा हुआ? मज़लूम मशरकी मर्द। नहीं प्लीज, लेट मी पे। देखो हमारा प्रोग्राम था, ये तो गेस्ट के तौर पर आए हैं हमारे साथ। आप तो आने के लिए राजी भी नहीं थी, हमने मनाया है आपको, आप क्यों पे करेंगी? बट दैट्स नॉट फेयर। एक सेकंड, देखिए अगर हम पाकिस्तान में होते तो कोई मेल फैमिली मेंबर के साथ जाते, राइट? और वो ही पे करते, सिंपल। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है और ये मेरी फैमिली से नहीं है। तुम्हारे लिए पे करने, that's fine, but he can't pay for me. अरे अभी तो ये स्नैक्स और लंच का भी पे करेंगे। क्या? Excuse me. Hello? Hey Zinia, आप घर पे हैं? नहीं सैफी, मैं तो मूवी देखने आई हुई हूँ। और लिली आपके साथ? नहीं लिली के साथ नहीं, माही के साथ। असल में आपके घर के पास है, सोच रहा था कि आपसे मिल लूँ। हम लोग तो अभी थोड़ी देर बाहर ही रहेंगे। ओह डोंट वरी, फैंटास्टिक है, एंजॉय योरसेल्फ्स, बाय। ओके बाय। कौन था? सैफी। सैफी? हाँ, उस दिन आया हुआ था हमारे यहाँ जब दानिश तुम्हें लाया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है सुफियान। अच्छा, मैं टिकट्स ले आऊँ? हाँ हाँ, तुम टिकट्स ले। मैं हूँ ना? मैं हूँ। मैं हूँ। तुम्हें पुरानी फिल्म देखने का बड़ा शौक है। सुष्मिता की फिल्म देखने का शौक। दोनों के सेल क्यों हो फिर? कहाँ है ये दोनों? Looking so hot in the film. और म्यूजिक तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। पता है रिव्यू से ज़्यादा अच्छी लगी मुझे वो। आपको कैसी लगी सीनियर? फिल्म ठीक थी। बस ठीक थी। और तुम्हें जवाब? हाँ ठीक थी। तुम्हें भी बस ठीक ही लगी? अच्छा बाबा, बहुत अच्छी थी। Does that make you happy? Yes, very happy. अच्छा तुम्हें एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? तुम्हारी। सही बताओ ना। वो जो मुलाजिम था ना, जिसके दो सीन थे उसकी। बहुत स्मार्ट एक्ट करते हो। हाँ, वेरी फनी। या यू आर राइट, द मूवी वाज वेरी फनी इंडीड। अच्छा अब तुम जितना भी मेरा मजाक उड़ा लो ना, मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत। क्यों, तुम क्यों खुश हो? तुम्हें तो मूवी अच्छी नहीं लगी। कंपनी तो अच्छी लगी ना। दैट मींस आइंदा भी मूवी पे साथ ही लेके चलना। अच्छा देखेंगे। अच्छा मेरा सबवे आ गया, मैं तो निकलता हूँ, तुम लोग चले जाओगे ना? आप आए साथ, घर चलें, कॉफी पीजिए। और एक एक उस पे इतनी मेहरबानी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा नखरे ना करो, अब मूवी दिखाई है, खाना खिलाया है, तो हम कम से कम एक कप कॉफ़ी तो बना ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। ओह माय गॉड, दानिश कितनी सारी मिस कॉल्स। तुम बैठो, मैं कॉल करके आती हूँ। Very nice apartment. Oh, thank you. Have a seat. नहीं नहीं, I'm comfortable here. मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। मैं हेल्प करूँ आपकी? 3 कप कॉफ़ी बनाने में क्या देर लगती है? आप कुछ लेंगे कॉफ़ी के साथ? For instance? Cookies, cake. Cookies चलेंगे। Okay.
हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश, यू हैव नो आइडिया, वी हैड सो मच फन। चलो तुम्हारा वीकेंड तो अच्छा गुजरा। मैं तो तुम्हें कभी भी इंडियन फिल्म दिखाने ना ले जाता। आई नो। वैसे ज़ीनिया को भी इंडियन फिल्में पसंद तो नहीं है। हाँ जवाद को भी ज्यादा नहीं पसंद। ये जवाद बीच में कहाँ से आ गया? भाई वो भी तो गया था हमारे साथ, मैं, ज़ीनिया और जवाद। ओ। हाँ उसने लंच भी कराया हमें और अभी भी वो यही है। कहाँ? ज़ीनिया के अपार्टमेंट में? हाँ ज़ीनिया ने इनवाइट किया था उसे कॉफी पे। मैं अभी अंदर आई तो आपकी इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखी, पता नहीं कब से कॉल कर रहे थे आप। तुमने कॉफी पी ली? नहीं अभी ज़ीनिया बना रही है। और जवाद उसके साथ है? हाँ। आई थिंक यू शुड गो एंड हेल्प हर। मुझसे ज्यादा अच्छी हेल्प जवाद उनकी कर सकता है। फिर भी तुम जितने दिन में हो कुछ ना कुछ कुकिंग के बारे में सीखती रहो उससे। अच्छा ना दानिश अब बोर ना करे। अच्छा आप बताएं क्या कर रहे हैं? यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी जरा ज़ीनिया से बात करा ना। मुझसे तो कर ले। यार मैं तुमसे भी कर लूंगा, मेरी जरा ज़ीनिया से बात करा ना, बड़े दिन हो गए मैंने उससे बात नहीं की। आई थिंक आई शुड थैंक फॉर टेकिंग केयर ऑफ यू। वो तो आप आके भी कर सकते हैं। अच्छी है कुकीज? मैंने नहीं बनाए। अच्छा समझो होम बेक्ड है शायद। आई विश मैं इतनी एक्सपर्ट होती। कुकीज बेक करने में कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए होती है? मैं आपको बेक करके खिला दूंगा कल। आप बेक भी करते हैं? कोशिश कर लेता। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी वर्कशॉप कैसी जा रही है? बस यार ठीक। तुम सुनाओ क्या हो रहा है? कॉफी पी रही थी, हम लोग अभी मूवी देख के आए। माही ने मुझे बताया। जवाद भी गया था साथ? हाँ बैठा है। बात करोगे? नहीं नहीं यार मैंने क्या बात करनी है उसे, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। मैं अभी बात नहीं कर सकती, बिजी हूँ। ओके बाय। और तुम्हें याद है तुमने मेरा कुत्ता चुराया था? नहीं मैं सब भूल गया। Obviously, आपको पता है इतना चीप इंसान है, रैंसम भी मांगा था मुझसे। तो तुमने कौन सा दे दिया था? अम्मा से गालियां पड़वाई थी और अब्बा से जूतियां। You deserved it. अरे वाह। अभी सोच रही होंगी कितनी फजूल बातें करती है माई, है ना? क्यों? ये क्यों नहीं सोच रही होंगी कि तुम्हें हमने खामखा रोक लिया, दिमाग खा गए हमारा। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूं। I'm enjoying your conversation. हां आप दुनिया का पहला शख्स हैं फिर। और आखिरी दानिश के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई दानिश तो कानों में रुई ठूस लेते हैं। वैसे इतने बोरिंग शख्स से आपने इतने लंबे अरसे कैसे दोस्ती रखी? हो सकता है मैं भी उतनी बोरिंग हूँ। नहीं आपसे किसने कहा क्या बोरिंग है? मैं जानती हूँ। आई थिंक यू प्रिटेंड टू बी ताकि लोग आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहें। जवाद को फिल्म के लिए किसने इनवाइट किया था? मैंने। क्यों? ऐसे ही। तो मैं उससे पूछा क्यों नहीं? क्या हो गया दानिश आपको? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। मैंने जो सवाल किया मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए। I really didn't think कि आपको ये बात इतनी अपसेट करेगी, वरना मैं वाकई नहीं बुलाती उसे। I'm sorry. भाई I don't like this. तुम मुंह उठा के जब दिल करता है जिसके साथ भी तुम कहीं चली जाती हो। किसी के साथ क्या, मैं ज़ीनिया के साथ गई थी और आप। डोंट आर्ग्यू विद मी। तुम्हारी वजह से ज़ीनिया को उसे कॉफी के लिए घर बुलाना पड़ा। एंड ही स्टिल देयर। दैट्स नॉट मैनर्स। कब जाएगा वो वहां से? वो जाने वाला है दानिश। कब? 2 घंटे हो गए उसको वहां। कोई बात करें? आप कीजिए, मैं सुन रही हूँ। मेरा ख्याल है पिछले 1 घंटे से मैं ही बातें कर रहा हूँ और आप सुन रही हैं। अब प्लीज़ मुझे भी कुछ सुनने का मौका दें। कॉफ़ी लेंगे? और नो थैंक्स। कुछ खाने के लिए? नहीं रहने दें। ज़ीनिया अगर मैं आपको कभी दोबारा मूवी पे इनवाइट करूँ तो चलेंगी आप मेरे साथ? पता नहीं।
और अगर डिनर पे अपनी जहमत कही का किसका भी पता नहीं है आपको? नहीं, आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, कहना मुश्किल है। और कितने दिनों के लिए बिजी हैं आप? कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल? मैं कर सकता हूँ इंतजार आपका? बातें करना कोई आपसे सीखे। गुड मॉर्निंग के जवाब में थैंक्स नहीं कहते। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी ग्रीटेड बैक। गुड मॉर्निंग एंड हैव अ लवली डे। यू आर अ क्विक लर्नर। You are a good teacher. मजाक कर रहे हैं या तंज? जिनी आपा का दोस्त का भाई सुफियान। ओह या हाय, हाउ आर यू? लेकिन आप किसी और रेफरेंस से भी जानती हैं? क्या मतलब? माही या माया? Thank you.
हेलो हेलो माही कौन और कौन हो सकता है मैं माही नहीं हूँ आई नो यू आर माही तुम अपसेट हो नहीं नहीं तो बहुत चुप चुप हो ऐसे ही दानिश कल कितने बजे आ रहा है 4 बजे तो यहाँ आते आते तो उसे 6 बज जाएंगे क्या हुआ तुम्हारा झगड़ा हुआ है उससे नहीं क्यों उन्होंने आपसे कुछ कहा है नहीं उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा तुम इतनी खामोश हो इसलिए पूछ लिया नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ वो जो आपकी फ्रेंड है लिली और उनका भाई वो क्या यहाँ अक्सर आते हैं सैफी सैफी नाम है उनका उस दिन तो आप सुफियान कह रही थी हाँ नाम तो उसका सुफियान है लेकिन हम लोग प्यार से सैफी कहते हैं और अक्सर तो नहीं हाँ कभी कभार आता है यहाँ बहुत छोटा था तब से जानती हूँ आई एम वेरी अटैच्ड टू हिम लिली से भी मिलवाऊंगी तुम्हें किसी दिन खाना लगा दो नहीं मुझे भूख नहीं है दिया उसको दोस्त बुला यार माही कैन हार्म यू कैसे उसे मेरा असल नाम तक नहीं पता एक स्टूपिड सी प्रोफाइल पिक्चर देखी है सिर्फ उसने मेरी और तुम्हें पता है ये जो फोन है ना मेरा वो हाशिर भाई के नाम पे है अगर मैं आज गुम हो जाऊं ही विल नेवर बी एबल टू फाइंड मी व्हाटएवर माही इस तरह दोस्त मत बनाओ यू हैव एनफ फ्रेंड्स एज इट इज फॉर फन सेक यार मुझे अच्छा लगता है उसे बातें करना उसे चैट करना माही दिस इज नॉट गुड फॉर यू तुम्हारी शादी होने वाली है तुम्हें इस तरह की इंटरनेट फ्रेंडशिप्स रखने नहीं चाहिए यू कांट अफोर्ड टू यार क्या फ़र्क पड़ता है जब शादी होगी तो ख़त्म कर दूंगी ना व्हाट्स द बिग डील अगर दानिश भाई को पता चलेगा कि तुम इस तरह की फ्रेंडशिप्स रख रही हो किस तरह रिएक्ट करेंगे माही तुम्हारे लिए पानी मैंने बेडसाइड टेबल पर रख दिया था ओह आई एम सो सॉरी मैंने देखा नहीं दानिश से बात हो गई आज तुम्हारी नहीं वो थोड़ा बिजी थे आज इसलिए ज़ीनिया मैं कल तक आपके पास रुक सकती हूँ जब तक दानिश ना आए वो एक्चुअली मैं घर पे बहुत बोर हो जाती हूँ श्योर इसमें पूछने की क्या बात है
थैंक्स. सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपसे कुछ बात करनी थी. सब खैरियत तो है? Yeah, I just needed to talk to you. अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, कोई खास बात है तो? No, अब बाद में बात कर सकते हैं. तुम चलो मेरे साथ सबवे तक, बात करते हैं. हेलो. मैंने सोचा शायद आप कॉल आंसर नहीं करेंगी. इतना तो वाकिफ हूँ आपसे कि कॉल रिसीव कर लूँ, ऐसा क्यों सोचा आपने? आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था इसलिए. ओह हाँ, मैं बिजी थी बस, इसलिए रिप्लाई नहीं कर सकी. जाहिर है, मेरी तरह फारिग थोड़ी होंगी आप. फारिग तो आप भी नहीं हैं. नहीं, शायद आपको लगता. आपने शिकायत करने के लिए फ़ोन किया है? नहीं, बात करने के लिए. ज़िनिया, आप मुझे पसंद नहीं करती क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है. आप माही के कज़न हैं और मैं और आप माही के हवाले के बगैर भी एक दूसरे को जानते हैं और शायद पहले से जानते हैं. हाँ, मैंने कब कहा कि मैं आपको नहीं जानती? हाँ, आपने ये नहीं कहा, इसलिए तो आप कभी मुझे एक्वेंटेंस कह देती हैं, कभी माही का दोस्त कह देती हैं. आप कल लंच पर मेरे घर आ सकते हैं? पर दानिश वापस आ रहा है और मैं दानिश और माही के लिए लंच अरेंज कर रही हूँ. आप भी हमें ज्वाइन करेंगे तो मुझे खुशी होगी. मैं समझा आप सिर्फ मुझे बुला रही हैं लंच पे. थोड़ी देर तो आप मुझे खुशहमी में रहने देती. ज़िनिया, मेरे आने से अगर कोई फ़र्क पड़ता है आपको तो आई एम देयर फॉर यू. हाय, बहुत अच्छी लग रही हो. थैंक यू. आपकी कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन. दानिश आने वाला है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है. He'll be here any minute now. वैसे ज़िनिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा. आप थैंक यू नहीं कहना. क्यों? नहीं, बहुत फॉर्मल हो जाएगा. मुझे अच्छा लगा तुम मेरे पास आकर रही. Oh, that's so sweet. I think Danish is here. Hi. Hello, 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 hello. Hi. कैसी हो तुम? Very sad and lonely without you. तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? फाइन. आपकी फ्लाइट कैसी थी? इट वाज गुड, इट वाज गुड. कुछ बहुत मजेदार चीज लगता पक रही है. बस थोड़ा बहुत, सोचा तुम्हें और माही को लंच दे दूं. ओह वेरी गुड. मेरा इरादा ये था कि मैं यहीं आके खाना खाऊंगा. वेल, यू आर ऑलवेज वेलकम. आई नो. इसको खाना पकाना सिखाया? दानिश, शी वाज माय गेस्ट. एग्जैक्टली. सीख जाए कि धीरे-धीरे, डोंट पेस्टर हर. कॉफी लोगे? आई थिंक हम नीचे जाके सामान रख दें दानिश का और ये फ्रेश ना पोल जाए, फिर आते हैं थोड़ी देर में. ठीक है, चलो चलो. आई विल सी यू सून. शुक्र है तुम ऐसी फ्रेंड नहीं हो मेरी. होती भी तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता. हाँ, बर्दाश्त तो मैं करता हूँ, तुम्हें पता, तुम्हें बात चीज़ें बर्दाश्त करता हूँ. फ्लैटर कर रहे हो? और फ्लैटर भी मैं तुम्हें ही कर सकता हूँ, तुम्हें पता मैं किसी और लड़की को फ्लैटर नहीं करता. प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें फ्लैटर करना आता ही नहीं. तो आप सिखा दीजिए ना. भाई मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती आपके साथ. नहीं नहीं, तुम सिखाओ, मैं सीख सकता हूँ. आई कैन इम्प्रूव. चलो छोड़ो, तुम्हें बिना इम्प्रूवमेंट के एक्सेप्ट कर लेती हूँ. ऐसी दोस्त तुम्हें. Well, well. घर तो बड़ा साफ रखा है तुमने. क्यों, आप क्या समझते हैं मैं घर साफ नहीं रख सकती? नहीं, डर लगता है ना. चाय बनाओ. हाँ बनाओ, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ. All right.
तुम क्या समझती हो एंसरिंग फोन लगा के यू गेट रिड ऑफ मी? माही मुझे तुमसे मिलना है। मेरे कोई मैसेजेस हैं? हाँ। क्या वो डर क्यों गई? नहीं वो आप अचानक आ गए ना इसलिए। कोई मैसेजेस तो नहीं मेरे लिए? नहीं कोई मैसेजेस नहीं है, मैंने चेक कर लिया। मैंने चाय रख दी आपके लिए। थैंक यू। तो हाउ डू स्पेंड योर टाइम? कुछ नहीं, कुछ बुक्स पढ़ी, मूवीज देखी और कुछ नहीं। तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। नहीं बस आपको मिस कर रही थी, दैट्स ऑल। वेल आई एम बैक। Hello?